हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे चना दाल पकोड़ा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चना दाल के पकोड़े। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान तरीका है। शुरू से लास्ट तक मैं आपको तमाम प्रोसेस दिखा दूँगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं हमारे पकौड़े। इसी बहाने बच्चे चने की दाल भी खा लेते हैं तो उसकी भी ताकत बच्चों तक पहुंच जाती है। तो आप इस तरह बनाइए तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके घर में सब लोग शौक से खाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आपको भी झटपट याद हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी भी है। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह पक गए हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप ट्राई करेंगे ना, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी पाव किलो चना दाल ली हूँ। इसे धोकर 1 से 2 घंटे के लिए भिगा के रखी थी। आप अपने हिसाब से भिगाइए, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा ही भिगाना पड़ेगा, तभी हमारी दाल अच्छी फूल के मोटी हो जाएगी। अब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। मैंने ये होल वाला झारी का चम्मच ली हूँ ताकि मिक्सर जार में ज़्यादा पानी ना जाए। देखिए, मिक्सर जार में मैं दाल डाल रही हूँ, मगर मैं आपको ये साइड इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसे हमें ज़्यादा पानी से नहीं पीसना है, क्योंकि ये भीग के नरम हो गई हैं। अगर मिक्सर जार में आपको पीसने में तकलीफ़ हो रही है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून पानी मिला के इसे पीस लीजिए। देखिए, अच्छा पेस्ट रेडी हो गया है। पूरी तरह हम इसे बारीक करेंगे। चने की दाल पूरी तरह पीस गई है और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है। अगर हम इसमें पानी मिलाते तो ये नरम हो जाता, पतला हो जाता, और जब हम पकोड़े बनाते तो वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होते, वो टूट जाते, फैल जाते। तो देखिए, तो अब हमने पूरी दाल पीसी हुई निकाल ली है, यानी पूरा पेस्ट निकाल लिए है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अक्खी चना दाल जो हमने भिगा के लिए है उसमें से। देखिए, भिगी हुई चने की दाल हमने 1 चम्मच निकाले और इस पेस्ट में डाल दिए हैं, और जो बचा हुआ चने की दाल थी उसे मिक्सर के प्याले में डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी डाली हूँ, क्योंकि अब हम इसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन भी पीसेंगे। यहाँ पे मैंने 7 से 8 हरी मिर्ची, 10-12 लहसुन की फाकली और 2 इंच का अदरक ली हूँ। इन तमाम चीज़ों को इस मिक्सर जार में डालेंगे। अदरक को काट के डालिए। अब इसे ढक के हम अच्छी तरह पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी हमने डाले थे, आपने देखे हैं, तो अब हम इसे अच्छे बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसका कलर आप देखिए, पहले वाले पेस्ट का कलर पूरा चने की दाल का कलर था, अब इसका कलर थोड़ा हरा भी है क्योंकि हमने इसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन भी पीसे हैं। अब हमें अलग से हरा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसलिए पीस लेते हैं ताकि एक ही साथ 2 काम हो जाए। और अगर हम उसे काट के डालते हैं तो वो मुँह में आएगा खाते वक्त, और बच्चे अदरक लहसुन खाने में आप तो जानते हैं कितने नखरे करते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जी हाँ, पकोड़े में जीरा पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और 2 से 3 पिंच हींग डालेंगे क्योंकि गैस ना हो जाए। 1 चम्मच चिकन मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिए। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चिकन मसाला डालने से हमारे पकोड़े पूरे कबाब की तरह टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब भी मैंने ये डाल के बनाए हैं, जो भी खाते हैं उन्हें कबाब का टेस्ट आता है। 1 कांदा डालेंगे हम बारीक काट के, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
जब भी मेहमान घर पे आते हैं मैं झटपट यही बना लेती हूँ। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। बस अब जितनी चीज़ें हमें डालनी थी हो गई। अब हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे तेल गरम की हूँ। अब हम इसमें पकौड़े अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, देखिए अच्छी तरह मिक्स कीजिए ताकि तमाम मसाले, धनिया, प्याज सब एक जान हो जाए। और आप जानते हैं हमने कम पानी में पीसा है, बिल्कुल नहीं के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पकोड़े डालना शुरू की हूँ मैंने, क्योंकि हमारा तेल मीडियम साइज़ पे रखे थे और गरम हो गया है। अब मीडियम साइज़ पे रख के फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फास्ट करेंगे हम फ्राई तो ऊपर से फ्राई हो जाएंगे मगर अंदर से मसाला कच्चा ही रहेगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मीडियम साइज़ पे हम अगर इसे फ्राई करते हैं तो अच्छी तरह अंदर से भी पक जाते हैं। मैं जब पक जाएंगे तो आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए अच्छी तरह गुलाबी हो रहे हैं। अब हम इसे पलट रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत कम हैं। 116 ही है अभी तक, 7 महीने हो गए हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको पसंद आने के लिए, अच्छे अच्छे खाने बना रही हूँ, मगर आप मेरे वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह ही जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देंगे, आप सबके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत आ जाएगी और मेरा चैनल कामयाबी की चोटी पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे पकोड़े गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। देखिए वक्त लग रहा है क्योंकि हमने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा मगर अच्छे टेस्टी क्रंची बनेंगे हमारे पकोड़े, और जो भी आपके पकोड़े खाएगा वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। क्योंकि मेरे घर में जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ हर कोई खाता है तो खुशी होता है। मेरी बहनें जब मुझे मिलने आती थी तो मैं यही बनाती थी, और अब भी कोई आता है तो झटपट यही बना देती हूँ। बहुत आसान है, बहुत कम वक्त में बन जाती है। देखिए अच्छी तरह अब गुलाबी हो जाएंगे तो हम इसे निकाल देंगे। आप सोचेंगे कि मैं इतना वीडियो लंबा क्यों कर रही हूँ, मैं आपको हर चीज़ शुरू से आखिर तक दिखाना चाहती हूँ, इसके लिए वक्त लग रहा है। मगर नाराज़ मत होइए, अब अगली बार थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखिए अब हमारे पकोड़े अच्छी तरह गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। हम मीडियम गैस पे इसे फ्राई कर रहे हैं इसलिए वक्त लग रहा है। अगर फास्ट फ्लेम पर करते तो झटपट गुलाबी हो जाते थे हमारे पकोड़े, और एक मिनट में पूरी तरह हमारे गुलाबी हो जाएंगे पकोड़े और अच्छी तरह अंदर से पक भी रहे हैं। तो अब हम इसे निकालने का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए अच्छी तरह गुलाबी हो गए हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि तेल में इसका कलर अलग ही होता है और जब निकालते हैं तो प्लेट में अलग हो जाता है। आप खुद देखिए 30 सेकेंड से एक मिनट तक हम इसे इस तरह पकड़ के रखेंगे ताकि हमारा पूरा तेल निकल जाए अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ, ये दूसरा राउंड था मेरा। तो देखिए अच्छी तरह हमारे पकोड़े लाल हो गए हैं। अब मैं आपको सेकंड राउंड के थोड़े से पकोड़े और निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए ये भी अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसी तरह हम तमाम पकोड़े फ्राई करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पकोड़े चना दाल के पकोड़े खाने के लिए तैयार हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छी तरह पके हैं, अंदर से कच्चे नहीं हैं। तो आप खा के खुद टेस्ट कीजिए, लीजिए, मुँह खोलिए, है ना टेस्टी है?
तो आप भी ज़रूर बनाएंगे, है ना। तो आपको मेरा चना दाल बनाने का तरीका कैसा लग रहा है? और देखिए बहुत ही कम वक्त में बहुत ही झटपट पकौड़े तैयार हो गए हैं। बस फ्राई करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, मगर जब तेल गर्म हो जाता है मीडियम फ्लेम पर भी अच्छी तरह, तो झटपट काम हो जाता है और पकौड़े अच्छी तरह अंदर से भी पक गए हैं। मैंने आपको घोल के चेक कराई हूँ। तो अगर आपको मेरा पकौड़े बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चना दाल के पकौड़े आपको कैसे लगे। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।